क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने एक आरोपी स्वीपर तरुण को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभिभावक स्कूल की प्रिंसिपल अनीता तोमर की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज बच्चों के अभिभावकों ने महिला थाना के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि पुलिस जानबूझकर प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं कर रही। वहीं डीएसपी विद्यावती का कहना है कि सारे मामले की छानबीन की जा रही है, छानबीन के बाद ही गिरफ्तारी हो पाएगी। महिला थाना के बाहर पहुंचे अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को वॉश कर दिया गया है। उनका कहना है कि प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की गिरफ्तारी ना हुई तो वे स्कूल और महिला थाना के बाहर धरना देंगे। वहीं इस मामले में महिला थाना की डीएसपी विद्यापति भी स्कूल की लापरवाही मानती है। उनका कहना है कि स्कूल में काफी खामियां हैं और सारे मामले की जांच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें भी थोड़ा सा लापरवाही की है कि उसी टाइम तुरंत जो उसकी मासी वही टीचर उसको बता देना चाहिए था। वो कहते हैं कि हमें तो ऐसे लगा कि ये बीमार है, कमर में दर्द बता रही है, उल्टी आ रही है इसको, तो इसलिए नहीं बताया। बाद में उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे जो भी आरोपी है। आरोप ये लग रहा है कि 5 मिनट की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी वहाँ से। नहीं, ऐसा हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नहीं आया ऐसा। फुटेज भी डिलीट की है, उन्हीं की प्रेजेंस में अगर ये सारा काम हो रहा है तो दिस मीन्स रॉन्ग। बीइंग अ फीमेल भी उन्होंने ये इतनी हरकत करी है कि उन्होंने फुटेज भी डिलीट कराई है। उन्होंने पेरेंट्स से टाइम मांगा ही सिर्फ इसीलिए था कि वो अपना कुछ ऐसा काम कर सके। पानीपत से करमजीत सिंह के साथ आज न्यूज़।